गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जस्ट उठा एंड उठने के बाद थोड़ा काम किया, इसीलिए उसमें बहुत बिजी था ये भाई, बहुत बिजी था तो हम व्लॉग नहीं कर पाए। तो अभी उठने के बाद हम लोग को बोले कि जो ये एरिया में रावा का आदमी लोग हैं, आओ वोटिंग करने के लिए। तो हम लोग लाइन बनाने आए हैं, देखे तो वो लोग सीरियल वाइज बुलाएगा बोला है, तो बोगिया वाला लोग को आगे बुला रहे। तो हम लोग यहाँ पे है ऐसे ही लाइन कर रहा है, आप लोग को दिखाएगा सब लोग कैसे रुके। ओ हम लोग को बुला रहे बोल रहे रावा को, ये लोग बहुत उल्टा पुलटा क्या क्या बात करते हैं। आप लोग जा रहे अभी वहाँ पे, यहाँ पे वोटिंग करेगा और यहाँ पे पूरा हम लोग का फैमिली लोग जा रहे हैं रावा लोग। इलेक्शन वाला लोग जो पता नहीं कर रहे, हम लोग इतना कंफ्यूज करके रखा है, ये बाहर में हम लोग खड़ा करने देखे, अभी बोल रहे इधर जाओ उधर जाओ, हम लोग पूरा थक गया ना, बहुत इरिटेटिंग नहीं क्या सब लोग, बहुत इरिटेटिंग, हम रुक के थक गया यहाँ पे, एक बाहर में हम लोग रुका के रखे इधर सब लोग एक छाटा में एडजस्ट कर रहे। अभी हम लोग लाइन में स्टॉप हो चुके हैं, कुछ काम है नीचे सब लाइन में, सब लोग हो रहे हैं। रावा विलेज आगे जाएगा ना बोगिया विलेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा विलेज लोग एक जगह में मारते हैं एक पोलिंग स्टेशन में, इसलिए ये लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कौन मारेगा, तो थोड़ा सा चहल पहल चल रहा है। उसके बाद आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। सब रुका हुआ है तक स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड एवरीवन इज वेटिंग। तो गाइज हम लोग वापस आ गया, पहले हम लोग वहाँ पे लाइन बना रहा था तो वो लोग बोले कि रावा आगे नहीं मारेगा, और हम लोग रावा विलेज का है एंड ये बोगिया विलेज है, तो यहाँ का जो विलेज का मेंबर लोग है वो लोग आगे मारेगा बोले, तो इसीलिए वो लोग वहाँ लाइन बना रहे और हम लोग रावा पार्टी लोग यहाँ रुक गया। बहुत बोलिए आप लोगों को दिखाएगा, हाँ मम्मी बोगिया लोग कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पे भी एक बहन लोगों को हम लोग अभी दिखाएगा, हाँ वो बोगिया लोग कैसे लाइन कर रहे हैं। तो वहाँ पे सब लाइन कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन भी बहुत फनी है, बहुत छोटा छोटा है। अभी ये घर पे रुक रहा था और यहाँ पे देखो मेरा कजिन काम, देखो रॉबिन भाई, अभी हम लोग लूडो खेले सब लोग दबाते रहो, हम लोग थोड़ा देर लूडो खेल रहे हैं और तब तक अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना बोगिया लोग का, वो लोग खत्म होने का और भी बहुत सारा है, हम लोग को बहुत लास्ट होगा क्योंकि हम लोग आर से आते हैं ना रावा। हम लोग लूडो खेल रहे हैं और खेल खेल के बहुत बोर हो गया क्योंकि इतना सारा इंसान लूडो खेल रहा था, तो कल रात भी हम लोग हाउस ही खेला था, वो हम नहीं खींच पाए, आज हम लोग खेलेगा हाउस ही वापस। मेरे पास सिर्फ 50 रुपये बचे क्योंकि आज हम लोग दिन में चाउमीन खाया था, तो सुबह में मेरे झूठ चाउमीन खाया था, ये मेरा 50 रुपये हाँ हम लोग चाउमीन खाया था, वो चाउमीन को 130 था हाफ का, तो बहुत कॉस्टली पड़ गया हम लोग के लिए, तो 50 रुपीज़ से अभी जो जो का पास पैसा नहीं हुआ हम लोग मिला के खेले। लोग वापस जा रहे क्योंकि रिपोलिंग हो गया, यहाँ पे झगड़ा हो गया, पता नहीं क्या क्या कांग्रेस बीजेपी झगड़ा, एंड हम लोग अभी बैग पैक करके रेडी बैठा है, जब चलो बोलेगा हम लोग जाएगा रेगी दापो में जाके रिपोलिंग होगा, बहुत बोरिंग है। हम लोग का यहाँ पे ऐसा होते ही रहते हैं, पहले भी पंचायत में भी झगड़ा हुआ है, अभी भी झगड़ा, हर समय झगड़ा झगड़ा ही झगड़ा, नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं आने सर ना, बोरिंग है। इतना दूर से हम लोग आए और यहाँ झगड़ा झगड़ा करते रह गए लोग, झगड़ा करके अभी हम लोग बेकार आए, आने का वोटिंग करने नहीं मिल रहा, सब अभी जा रहे हैं और घटिया है। अभी रिपोलिंग हो गया इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी पता नहीं कहाँ पे अभी नेक्स्ट वोटिंग फिर से होगा, रिपोल कहाँ से कहाँ पे होगा, डापो में होगा ना कहाँ पे होगा नहीं पता, तो हम लोग वापस जा रहे हैं ये सुंदर हम लोग का विलेज को छोड़ के, हम लोग वापस जा रहे हैं विलेज को छोड़ के। वहाँ इतना सुंदर है व्यू, सुंदर है व्यू, गाइस रिपोलिंग का कारण हम सीएम पहुंच गया, नॉट सीएम ये बक्की है बोला, हम इतना दिन से सीएम सीएम बोल रहे, ये बक्की है और ये एक दारंग बक्की बोल के एक अंकल का घर है, हम लोग यहाँ पे बैठ रहे और यहाँ पे बहुत डिस्कशन चल रही है क्योंकि रिपोल हो रहा है ना, इसीलिए वो झगड़ा झगड़ा हो गया, बहुत बोरिंग है, क्या करेगा अभी दूसरा फैमिली का ही अपना भाई भैया अपना बेटी और चाचा का झगड़ा में हम लोग फंस गए, इतना ऊपर जाके बहुत दिमाग खराब हमेशा से होता है, लास्ट टाइम पंचायत इलेक्शन में भी ऐसे हुआ है, हम लोग का वो जो एरिया जहाँ हम लोग पोलिंग स्टेशन है ना वो जगह जो बदनाम है उसके लिए कि रिपोल होते रहते हैं, सो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुक रहे, कब जाएगा देखते हैं, अभी हम लोग थोड़ा रुक रहे
अच्छा लोग मंत्री लोग रुक रहे बात करेगा बोल के, इसलिए हम लोग यहाँ पे पानी पूरी खाने आए। पानी पूरी आंटी बना रहे हैं। आंटी का इधर हमारे सीएम फर्स्ट टाइम हम पानी पूरी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं आपका। ओह, ये आंटी फर्स्ट टाइम बनाए पानी पूरी और बेच रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन समय में। लंच कर रहे हैं, अच्छा टेस्टी वाला अचार नमक खाना और बॉइल सब्जी। सब लोग कर रहे हैं लंच, जो जो वहाँ से रिपोलिंग पार्टी लोग आए। और ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत अच्छा है ये घर का खाना पीना। हम लोग लंच कंप्लीट किया एंड पूजा च्युइंगम लाया, च्युइंगम खा रहा है मेरे साथ। देखो कौन है, देखो इधर देखो, देखो क्यूट एक बेबी है यहाँ का, एक अंकल का बेटी का बेटी है। हेलो हेलो करो, हेलो 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 बोलो करो करो, हेलो बोलो। वाह गुड गर्ल। सो गाइस अभी हम लोग फ्यूम से निकल चुका है एंड अभी कौन सा जगह एग्जैक्ट पता नहीं, हम लोग थोड़ा वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका हुआ है तो वो थक गया। अभी हम घर जाके व्लॉग को एंड करेगा और कैसा था मेरा एक्सपीरियंस वो सब भी बताएगा। और हम लोग का रीपोलिंग हो गया, शायद दापो में होगा नहीं तो ये बाकी बस्ती में, कहाँ होगा नहीं पता, रीपोलिंग होगा तो और रुकना पड़ेगा। मेरा यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम आने वाला है, हमको बहुत डर लग रहा है, बहुत बोरिंग है। और यहाँ देखो बहुत सुंदर है, यहाँ से खुद से पानी आ रहा है, देखो देखो पानी आ रहा है खुद से। और देखो ये ऊपर से पानी आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाय गाइस, सो वी आर बैक एट दापोरिजो। बस्ती से आ गया है मेरा मम्मी हम और मेरा वो बहन पूजा, हम लोग आ गया बस्ती से। मम्मी को तो वोटिंग करने मिला है पर हमको नहीं, क्योंकि हम लोग का उधर मेरी पोल हो गया तो हम लोग इतना रुकना पड़ा है ना, बोरिंग लग रहा था। फिर यहाँ आया, आने के बाद अभी पता चला कि कल परसों कुछ दिन में हो जाएगा रिपोल, पता नहीं कब होगा, रुक रुक के थक गया। मेरा यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस होगा, एग्ज़ाम्स भी आ रहा है, बहुत सारा प्रिपरेशन करना है, इसलिए हमको बहुत दिमाग जो मेरा फट रहा है। और हम बुक्स तो लेके आया था, यहाँ भी पड़ेगा टाइम मिलने से, यहाँ फिर बहुत केयरटेक होता है ना, पढ़ने नहीं सकते तो फिर भी टाइम मिलने से हम पड़ेगा। और बात यही था कि वहाँ पे ऐसा इसीलिए झगड़ा हुआ है ना, चाचा बेटी का बीच झगड़ा हुआ है हम लोग बस्ती में। बेटी चाहते कि चाचा कांग्रेस को मारो, पर चाचा चाहते कि खुद बीजेपी को मारेगा, बेटी जो मारने मारो, पर बेटी जो ऐसा था कि नहीं मेरा चाचा है वो मेरे साथ जाना है, कांग्रेस को मारना है। हम लोग का उधर बहुत फैमिली पॉलिटिक्स बहुत चलते हैं, बहुत बोरिंग है इसीलिए। तो ऐसा हो गया ये दोनों का बीच में इससे आर्ग्यू हो गया ना, बेटी और चाचा, तो उसने बेटी जो बहुत एग्रेसिव हो गया, एग्रेसिव होने के बाद वो उसने फिर ईवीएम मशीन को तोड़ दिया, क्योंकि वो एजेंट था ना, तो उसमें फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी रोकने की बहुत कोशिश किया पर हो रहा ही नहीं था। ऐसा होने के बाद फिर हम लोग का वहां में तो आधा लोग ऐसा हो रहा था क्या हो रहा है, रुक जाओ, लोग ऐसा था प्लीज रुक जाओ, रिपोल मत कराओ, क्योंकि हम लोग का जो विलेज है वो रिपोल होते रहते हैं। लास्ट टाइम जब पंचायत इलेक्शन हुआ था तब हम नहीं गया था, मेरा बहन गया था तो उसमें भी रिपोल हुआ था, तो इतना बदनाम वाला रिपोल वाला एरिया ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही हो कि हम लोग वापस आ गया, बहुत थक गया था तो इसलिए हम सो के अभी उठे हैं। पापा भी कल रात को ही आया था, उसका भी उधर बहुत क्या क्या झगड़ा वगैरह बहुत हुआ है, पर पापा लोग अच्छे से हैंडल किया। पापा का तो दारू में, पापा जहाँ गया ना उसका तो बस्ती जो दारू था। सो गाइज अभी हम छत पे आ गया ये व्लॉग को एंड करने के लिए एंड मेरा बस्ती का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारा कजिन्स लोग से मिला जिसको कभी मिलता भी नहीं है, एंड क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह पड़ता है तो मिलने बहुत मुश्किल होता है, वही ये अच्छा था एक्सपीरियंस। तो अभी ये व्लॉग को ये ख़त्म करेगा और अभी रिपोल होगा तो वीडियो बनाएगा, आप लोगों को दिखाएगा, समय मिलेगा तो बनाने का मौका मिलेगा तो। कैसा सिचुएशन रहेगा अभी पता नहीं है, तो उसके बाद व्लॉग्स थोड़ा कम आएगा शायद, क्योंकि हम कॉलेज चला जाएगा एंड मेरा एग्ज़ाम आ रहा है तो थोड़ा एक दो महीना शायद पढ़ाई करेगा, उसके बाद जब मौका मिलेगा व्लॉग डालेगा। और इतना कंसिस्टेंट नहीं रहने के लिए आई एम रियली सॉरी, आप लोग भी मेरा वीडियो का इंतज़ार करता होगा, वीडियो के लिए समय नहीं मिल पाते इसीलिए रियली सॉरी। पर ये व्लॉग को ये एंड करेगा, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट और सबको शेयर कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर देना और फॉलो भी कर देना। बाय।